हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। सो दोस्तों, फाइनली आज हमारे सामने आ चुकी है मारुति की इनविक्टो। एंड दोस्तों, गाड़ी देखने में बड़ी शानदार है, या आप इसको टोयोटा हाई क्रॉस का रीबेस्ट वेरियंट भी कह सकते हैं। ये दोस्तों मारुति की पहली इतनी बड़ी गाड़ी एंड इतनी महंगी गाड़ी है। देखते हैं दोस्तों गाड़ी की सेल्स फिगर कितने अच्छे होते हैं। तो फिलहाल ये बात की बात है। एंड दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी के वेरिएंट के बारे में। तो ये आपका जीटा प्लस 8 सीटर वेरिएंट है। इसमें आपको 7 सीटर वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो दोस्तों 24.84 लाख रुपीज़, ऑन रोड आपको पड़ती है 29.78 लाख रुपीज़। एंड दोस्तों, वहीं अगर की बात करें तो इस बार मारुति की दोस्तों चेंज हो चुकी है। ये आपको टोयोटा वाली की देखने को मिलती है, लॉक एंड अनलॉक। एंड दोस्तों, सुजुकी का इसमें आपको लोगो जरूर मिल जाता है देखने के लिए। बात करें दोस्तों गाड़ी के बारे में, दिखने में गाड़ी बहुत ही शानदार, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रंट फेशिया की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हैं आपको इसमें ग्लॉसी ब्लैक का एलिमेंट देखने को मिल जाता है। एंड अगर ग्रिल की बात करें तो काफ़ी बड़ी सी आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है। वहीं बीच में आपको सुजुकी का लोगो एंड क्रोम के एलिमेंट दोस्तों ये काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। इससे गाड़ी की लुक्स काफ़ी मस्कुलर आ जाती हैं। एंड यहाँ देख लीजिए, आपको इसमें कोई भी 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, कोई भी आपको इसमें पार्किंग सेंसर नहीं मिलेगा दोस्तों। एंड यहाँ दोस्तों देख लीजिए, आपको स्किड प्लेट इसमें मिलती है ग्लॉसी ब्लैक में। नंबर प्लेट की पोजीशन 185 mm का इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर करती है, जो कि ठीक ठाक सा है दोस्तों। थोड़ा और ग्राउंड क्लियरेंस होता तो गाड़ी अच्छी हो जाती। एंड यहाँ देख लीजिए, बोनट पे कर्वी लाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट में दोस्तों आपको वाइपर की प्लेसमेंट, एंड इसमें आपको कोई भी अडास का ऑप्शन नहीं आता है, यानी टॉप वेरिएंट में आपको अडास देखने को मिल जाता है। लाइट सेटअप की बात करें तो दोस्तों वही आपको नेक्सा की इसमें आपको लाइट सेटअप के तो प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ देख लीजिए, तीन आपको ये पॉइंटेड DRLs मिलते हैं। यानी दोस्तों आपको LED लाइट सेटअप मिलता है। एंड नीचे बात करें दोस्तों, तो ये रहा आपका टर्न इंडिकेटर, जो कि दोस्तों सिक्वेंशियल है। एंड इसमें आपको फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रंट विड्थ की बात करते हैं तो 1845 mm की आपको इसमें चौड़ाई देखने को मिल जाती है, यानी काफ़ी अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है दोस्तों ये। एंड साइड दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर लेंथ की बात करें तो आपको 4755 mm की दोस्तों इसमें लेंथ देखने को मिल जाती है, करीब करीब 5 मीटर की मान लीजिए। व्हील बेस की बात करें तो 2850 mm का दोस्तों आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में बहुत बड़ा व्हील बेस है दोस्तों। एंड गाड़ी के अंदर स्पेस भी अच्छा खासा है, क्योंकि गाड़ी 8 सीटर है। वहीं दोस्तों आप देख लीजिए, डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाते हैं कर्वी टाइप के, जिससे गाड़ी की लुक्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। ग्रैब हैंडल में दोस्तों आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, एंड नॉर्मल से आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर साइड मिरर की बात करें तो आपको ऑटो फोल्डेबल देखने को मिल जाते हैं, प्लस इसमें टर्न इंडिकेटर रहते हैं। एंड इसमें 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट आपको नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ बात करें तो रूफ रेल्स भी दोस्तों आपको नहीं मिलते हैं, एंड सनरूफ भी आपको देखने को नहीं मिलती है इन वेरियंट में। टायर साइज़ की बात करें तो आपको 215/60/R17 का टायर साइज़, जो कि आपको मिलता है अलॉय व्हील्स के साथ। फ्रंट में दोस्तों आपको कंपनी डिस्प्ले को ऑफर करती है, एंड इसमें आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में कुछ इस टाइप के आपको सस्पेंशन भी देखने को मिल जाते हैं। एंड सबसे अच्छी बात दोस्तों, इसमें आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को नहीं मिलेगी, यानी बॉडी टाइप आपको पूरी क्लैडिंग रहेगी। पीछे वाले टायर की बात करें तो आपको इसमें भी डिस्क ब्रेक कंपनी ऑफर करती है। 1795 mm की दोस्तों इसमें आपको हाइट देखने को मिल जाती है। एंड बैक प्रोफाइल दोस्तों गाड़ी की बहुत ही सिंपल सोवर है, एंड काफ़ी अच्छी लगती है। बीच में दोस्तों आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, वहीं दोस्तों आपको क्रोम की पट्टी मिलती है। नीचे आपको कैमरे की प्लेसमेंट एंड लाइट सेटअप भी आपको मिलता है, दो हैलोजन बल्ब के साथ। यहीं दोस्तों आपको इनविक्टो की देख लीजिए बैजिंग, यहाँ पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 4 पार्किंग सेंसर एंड 2 रिफ्लेक्टर पीछे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ आप देख लीजिए, आपको ग्लास में वाइपर मिलता है, डिफॉगर दोस्तों आपको नहीं मिलेगा, हाई स्टॉप माउंट लाइट, सार्फिन एंटेना दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। एंड वहीं दोस्तों बात करें अगर लाइट सेटअप की, तो पर्सनली ये बड़ा शानदार लगता है देखने में, छोटा सा है बट बहुत शानदार है। एंड आपको इसमें LED के 3 सेटअप मिलते हैं। साथ में इंडिकेटर की बात करें तो आपको हैलोजन बल्ब के साथ, यहाँ आपको दोस्तों पार्किंग भी हैलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाती है। ये देख लीजिए ब्लैक कलर की दोस्तों, ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में जो पार्ट मिलता है बड़ा ही शानदार लगता है। इससे गाड़ी के लुक्स और स्पॉइलर भी आपको ऊपर देखने को मिलता है। नीचे दोस्तों आपको मिल जाएगा इसमें स्टेपनी व्हील, जो कि आपके सेम साइज़ का नहीं है, एक टायर साइज छोटा है। एंड अंडर बॉडी दोस्तों कुछ स्टेप्स इस गाड़ी की देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ देख लीजिए टायर साइज़ की बात करें, 205/55/R16 का टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर फ्यूल लीड ओपनर की, तो आपको साइड में मिलता है। यहाँ देख लीजिए आपके BS6 सेकंड फेज की गाड़ी की, जो कि आपका E20 पेट्रोल सपोर्ट करती है। वहीं दोस्तों अगर इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 52 लीटर की टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है।
तो बात करते हैं बूट स्पेस की। चलिए टेलगेट ओपन करके देखते हैं। आप मैन्युअली टेलगेट ओपन कर सकते हैं, इसमें आपको रिमोट के थ्रू टेलगेट ओपन का सिस्टम नहीं मिलता है क्योंकि आपका बेस मॉडल है। एंड बूट स्पेस की बात करें तो आपको 239 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। एंड दोस्तों इसके नीचे आपको फ्लैट सरफेस है एंड जस्ट इसी के नीचे आपको दोस्तों सीक्रेट कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपनी छोटी मोटी टूल किट वगैरह रख सकते हैं। यहाँ रीडिंग लाइट आपको देखने को मिल जाएगी एंड या रीडिंग लैंप्स के लीजिए। इसमें आपको तीन हेडरेस्ट मिलते हैं दोस्तों, ये वाला आप निकाल सकते हैं कुछ टाइप से एंड इसको प्रेस करने के लिए यहाँ पर आपकी स्पेस दी गई है, कुछ इस टाइप से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर दोस्तों ये देख लीजिए आपका है 8 सीटर वेरिएंट एंड यहाँ से आप सीट फोल्ड कर सकते हैं। दोनों सीट को फोल्ड करने के बाद लगभग 550 से 600 लीटर का आपको उसमें बूट स्पेस दोस्तों देखने को मिल जाता है। एंड कुछ इस टाइप से इस गाड़ी का इंटीरियर लगता है पीछे से देखने में, तो मतलब गाड़ी प्रॉपर आपकी 7 सीटर है। तो चलिए दोस्तों आप मैनुअली बंद करते हैं इसके टेलगेट को। सो बात करें अगर इसके ड्राइवर साइड डोर की तो आपको जिस टाइप से इसको ओपन कर सकते हैं। एंड डोर पैनल की बात करें दोस्तों तो आपको ब्लैक कलर का इसमें डोर पैनल देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों आपका सॉफ्ट टच यूज़ किया गया है, हार्ड प्लास्टिक का भी इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ आपका डोर ओपनर क्रोम हैंडल के साथ, यहीं दोस्तों आपको ये एक्सेंट मिल जाता है, बड़ी शानदार लगता है। एंड यहाँ आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर लॉक अनलॉक मिरर सेट करने के कंट्रोल्स, यहीं दोस्तों आपको बोतल स्पेस प्लस अम्ब्रेला होल्डर, साथ में आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सीट की बात करें तो आपको इसमें जो सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलता है वो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा एंड फैब्रिकेट सीट आपको देखने को मिल जाती है। सो नीचे की तरफ बात करें तो आपको दोस्तों मिलता है फ्यूल लीड ओपनर करने के लिए, जो आपका बोनट ओपन करने का बटन, यहीं दोस्तों आपको हेडलाइट लेवलर यूनिट देखने को मिलता है एंड एसी वेंट की प्लेसमेंट। नीचे ये दोस्तों आपका रहेगा ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर एंड वहीं बैठ के बात करते हैं। देख लीजिए आपको इसमें कुछ इस टाइप का इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि दोस्तों आपको बड़ा ही शानदार लगता है। बीच में आपको दोस्तों रहेगा स्पीडोमीटर, मतलब 200 तक की टॉप स्पीड है। लेफ्ट साइड की बात करें तो बैटरी एंड राइट साइड आपका फ्यूल गेज मीटर वगैरह देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग दोस्तों आपको लेदर रैप देखने को मिल जाती है, राउंड शेप में पूरी कंप्लीट लेदर रैप है। यहाँ बीच में सुजुकी का लोगो मिलता है एंड यहीं आपको एयरबैग्स की बैजिंग, लेफ्ट साइड आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के ऑप्शन, कॉल पिकअप कॉल कट का ऑप्शन, राइट साइड दोस्तों आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है, मोड के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ये आपके रहेंगे लाइट के कंट्रोल्स, यहाँ दोस्तों आपको रहेगा इंडिकेटर प्लस वाइपर कंट्रोल्स एंड दोस्तों आपके पैडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको इसमें स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है एंड 8 इंच की आपको इसमें टच स्क्रीन मिलती है दोस्तों, जो कि आपका सपोर्ट करती है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। एंड टच रिस्पॉन्स की बात करें तो अच्छा खासा आपको इसमें टच रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें इसमें गियर की यानी रिवर्स कैमरा क्वालिटी की, तो चलिए वो भी चेक करते हैं एक बार। जैसे हम रिवर्स गियर लगाते हैं तो क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी है एंड इसमें आपको गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं, अडेप्टिव यानी आपकी फिक्स गाइडलाइंस आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ ही बात करते हैं इसमें आपको ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए। एंड ये आपको मिलता है ऑटो पार्किंग एंड ऑटो होल्ड ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में दोस्तों आपको इसमें पावर मोड मिल जाता है, इको मोड मिल जाएगा एंड यहीं दोस्तों आप देख लीजिए आपको ईवी मोड मिलता है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल बंद चालू करने के लिए स्विच दिया गया है एंड दोस्तों ये आपका सीवीटी इसमें गियर बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। नीचे दोस्तों आपको सीट टाइप का फास्ट चार्जर, यूएसबी, 2 कप ग्लास होल्डर एंड साथ में आपको क्रोम एक्सेंट, ये देख लीजिए आर्मरेस्ट, सॉफ्ट टच है। ओपन करने का थोड़ा अलग स्टाइल है दोस्तों, कुछ इस टाइप से ओपन होता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। यहीं दोस्तों बात करें ग्लव बॉक्स की तो आपको सॉफ्ट टच ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, कुछ इस टाइप से मिलता है, अपने आप ओपन होगा दोस्तों एक बार खोलने के बाद। यहाँ आपको स्पेस मिलता है, साथ ही बात करें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है एंड यह इस इवेंट की प्लेसमेंट। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए आपको वैनिटी मिरर मिलता है ड्राइवर साइड में, सनवाइजर में लाइट्स की भी ऑप्शन मिलते हैं। पैसेंजर की बात करें तो यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर प्लस दोस्तों लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मिरर दोस्तों आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। ये होंगे आपके रीडिंग लैंप्स दोस्तों हैलोजन बल्ब के साथ, ये दोस्तों आप देख लीजिए ये आपके रिमाइंडर हो गए एंड यहाँ दोस्तों आपको सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता है। टॉप मॉडल में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, ग्रैब हैंडल्स, सीट बेल्ट दोस्तों यहाँ पर आपको एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से एंड यहाँ देख लीजिए इस टाइप आपको भी मिलता है ग्रैब हैंडल्स। रियर डोर की बात करें दोस्तों तो आपका डोर पैनल है, वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है, स्पीकर, पावर विंडो कंट्रोल्स वगैरह एंड टोटल हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है एंड आपको इसमें सन कर्टेन है, ब्लाइंड भी आप इसको कह सकते हैं। एंड दोस्तों अगर बात करें सीट की तो दोस्तों इसमें आपको फैब्रिकेट सीट देखने को मिलती है। इसके बात करते हैं रिक्लाइन एंगल की तो कुछ इस टाइप से इतने तक ये सीट रिक्लाइन हो जाती है आराम से अगर आप चाहें तो। साथ में ही आपको यहाँ आइसोफिक्स चाइल्ड भी देखने को मिल जाता है माउंट,
एंड दोस्तों बीच में आपको बात करें तो आपको इसमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है विथ 2 कप ग्लास होल्डर, एंड आपको इसमें दोस्तों 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं। एंड पहले बात करें दोस्तों उसके नी रूम की, तो अच्छा खासा आपको नी रूम देखने को मिलता है। थाई सपोर्ट भी दोस्तों अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करें यहाँ आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, इधर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। यहाँ आपको हुक मिलता है, आप सामान टांग सकते हैं, पन्नी वगैरह। ये आपका रहेगा ऑटोमेटिक एसी, पीछे भी आपको मिल जाता है। एंड आपको 2 सी टाइप के फास्ट चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाते हैं। बीच में आपको किसी भी टाइप का हम वगैरह देखने को नहीं मिलता है। कुछ इस टाइप से दोस्तों इसका इंटीरियर या डैशबोर्ड आपको दिखता है पीछे की सीट से। यहाँ पर आपको एसी वेंट की प्लेसमेंट मिल जाती है एंड ग्रैब हैंडल्स, यहाँ देख साथ में आपको रीडिंग लैंप्स एंड ऊपर की तरफ दोस्तों आपको ये लाइट्स भी मिल जाती हैं जो रात के समय जल जाती हैं। अगर दोस्तों आपको पीछे वाले रो पे एक्सेस करना है तो उसको आगे कर सकते हैं कुछ इस टाइप से लीवर खींच के, एंड आप अंदर इजीली घुस सकते हैं। लास्ट रो में दोस्तों आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहेंगे। एंड बीच में आपको दोस्तों तीसरा भी हेडरेस्ट मिलता है जिसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों देख लीजिए सीट बेल्ट वगैरह सब मिलता है। पीछे वाली सीट आपको 50-50 में स्प्लिट हो जाती है। ऊपर की बात करें आपको रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं या रीडिंग लाइट्स के लीजिए। एंड आपको फैब्रिकेट सीट मिलती है दोस्तों, रिक्लाइन एंगल काफ़ी अच्छा है, पीछे आप इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों लास्ट रूम में, बैठ के वहाँ थाई सपोर्ट वगैरह चेक करते हैं। एंड दोस्तों नी रूम तो थोड़ा कम है, ठीक है। एंड अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो नाम मात्र का भी नहीं मिलता है। यहीं दोस्तों आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है, 2 कप ग्लास होल्डर एंड थोड़ा सा स्पेस, एंड ये दोस्तों पता नहीं क्या है। एंड अगर दूसरी साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 कप ग्लास होल्डर, थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है। एंड साथ में दोस्तों ऊपर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलते हैं, एसी वेंट भी आपको पीछे वाले पैसेंजर के लिए देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ टाइप से रहता है इस गाड़ी का व्यू लास्ट रो से, आप देख लीजिए। ये है दोस्तों आपका स्मार्ट हाइब्रिड इंजन पेट्रोल के साथ, एंड इसमें आपको 2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। पावर फिगर दोस्तों आपके 150 bhp एंड 188 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं दोस्तों बैटरी आपको मिल जाती है 201 वोल्ट की पावर प्रोड्यूस करेगी, वोल्ट की। 1 वाट पर दोस्तों बात करें तो आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाता है। एंड बैटरी दोस्तों आपको मिलती है लिथियम आयन बैटरी 168 सेल के साथ। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहे हमारे साथ और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।